ओके चलो याद आना दोस्तों, अभी नया पॉइंट हम लोग शुरू कर रहे हैं, नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर टू। और ये चैप्टर मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ क्या डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का, तो मैं ट्राई करूंगा जितना ही मैं पढ़ाऊंगा आपको यही पे लर्न करवा के दूंगा कि क्या है। और डबल एंट्री, जब यहाँ पे एक चीज पढ़ते हो ना आप, ये देखो एक शब्द है, क्या ये एंट्री, मतलब जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है ना उसका हम बुक में जब रिकॉर्डिंग करते हैं मतलब लिखते हैं तो उसको एंट्री बोलते हैं। तो ये कितने इफेक्ट, कौन से एंट्री के, सिंगल की डबल, क्या वर्ड यूज हो रहा है अच्छा डबल मतलब क्या कि एक ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट्स रहेंगे बुक्स में, दो। सो अभी इसका मतलब उन्होंने इस चैप्टर में हमें सिखाया है और उसके फंडामेंटल्स मतलब बेसिक कंसेप्ट बताया कि जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसमें डबल एंट्री का क्या मतलब है। तो जब हम जाएंगे तो पहले इस पैराग्राफ में, जैसे मैंने कहा था कुछ बच्चों का तो लर्न भी लेकिन वापस वो कर लेंगे, टेक्स्ट बुक को हम फॉलो करेंगे, हर एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये जो महान व्यक्तित्व आपको दिख रहा है जिन्होंने भारी फोटो निकाला है बहुत अच्छा ऐसे, उनका नाम क्या है, लुका डी बार्गो पैसियोली। क्या है बेटा, लुका डी बार्गो पैसियोली, मतलब लुका पैसियोली बोला तो भी चलेगा, ठीक है। ये इन्होंने, अब इनके बारे में थोड़ी बहुत कहानी उन्होंने कही है, और इन्होंने ये जो आप पढ़ते हो ना डेबिट क्रेडिट, ये क्या चीज है, हाँ ठीक है डबल एंट्री, वो कैसे ढूंढा है ये सब इन्होंने बताया, ये देखते चलो। डबल एंट्री बुक कीपिंग इज द डैश डैश, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कौन सा मेथड है, मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग विच ट्रांजेक्शन, ऑल द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हम पहले चैप्टर में बताया था कि रिकॉर्ड होते नहीं है, पर्सनल ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होते नहीं है। तो जब आप थियोरी पढ़ रहे हो अकाउंट्स का तो थियोरी पढ़ते वक्त कुछ चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे उन्होंने कहा ऑल द देखो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड, व्हाट डू मीन बाय साइंटिफिक, साइंटिफिक का मतलब कोई तो एक्सपेरिमेंट हुआ है, उन्होंने वो चीज खुद पहले स्टडी किया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया है और उसका रिजल्ट आया हुआ है ना। तो जो बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाई गई चीज है उसको साइंटिफिक बोलते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग दवाई लेते हैं तो आप उससे मानते हो साइंस है कि हम अच्छे हो जाते हैं, तो वो बीमारी पे वो दवा असर करेगी ये पहले टेस्ट हो चुका है लेबोरेटरी में, तो साइंटिफिक तरीके से बनी हुई दवा है। तो दवाई का जैसे असर होता है बीमारी दूर करने के लिए, वैसे ही हम जो मेथड पढ़ रहे हैं बॉस, या आपको जो पढ़ाया जाएगा इस पे बहुत काम हो चुका है, ये बहुत ज्यादा ट्रू रिजल्ट देने वाली मेथड है, इसलिए हम कहेंगे विच मेथड, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दिस सिस्टम ओज इट्स ओरिजिन इटालियन मर्चेंट, एक व्यापारी इटालियन बंदा था जिसका नाम है क्या बेटा, लुका दी बार्गो पैसियोली। और कब ये टर्म उसने लाया था, कब ये चीज बताई थी, 10 नवंबर 1494, हम 2024 में आज है ना, मैंने वही बताया था 1494 में ये बात उन्होंने कही थी। एंड दिस डे सेलिब्रेटेड एज व्हाट बेटा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। तो मैंने उन बच्चों से ये चीज कही थी कि आपको बार बार एक चीज तो आएगा कि सवाल कैसे आते हैं पेपर में, अब पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड में बात करता हूँ, दो बातें आपको बताऊंगा कि अभी अभी हमने एक डेट देखी, वो डेट मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, क्या डेट है बेटा, ए ढोकलो 10 बराबर है क्या, 10 देखिए 14 था, नवंबर तो था भाई, तो मेरे को ढोकले 10 था ना, 10 था ना, हाँ बराबर बोला ना, 14 क्यों बोला, बराबर भाई उसका कॉन्फिडेंस हिला रहा है बेचारेगा, क्या था बेटा ठीक है। तो हमारा क्या था, 10 नवंबर, ठीक है 10 नवंबर, और क्या था बेटा ईयर 1494, इस दिन ये चीज भाई साहब ने बताई थी लुका दी बार्गो पैसियोली ने, इसलिए उससे कौन सा दिन जाना माना जाता है, वेरी गुड, इंटरनेशनल क्या बेटा, अकाउंटिंग डे। तो हम लोग जब भी ये वाला डेट आएगा, ये डे, इससे हम कौन सा डे करके सेलिब्रेट करेंगे, इससे इंटरनेशनल ना विमेन डे होता है, मेन्स डे होता है, वैलेंटाइन डे होता है, वैसे कौन सा डे है, अकाउंटिंग डे करके, कब मनाया जाता है, 10। अच्छा वैलेंटाइन डे कब होता है, वो लगे हमको वो तो बिना लर्न नहीं करना रहता, होता है वैलेंटाइन डे 14 फेब। तो वैसे जैसे वैलेंटाइन तुमको याद है वैसे पूछो ना अकाउंटिंग डे कब है बेटा, 10 नवंबर, ये नहीं बोलने का बेटा, अभी हर हर साल तो नहीं आएगा, तो 10 नवंबर तुम्हारा क्या होगा, अकाउंटिंग डे, ठीक है। और ये इन्होंने, ये किसने दिया हुआ है, लुका बार्गो दी बार्गो पैसियोली, ठीक है, पैसियोली करके, पैसियोली, ठीक है, जो भी है। तो ये चीज हमने यहाँ से देखनी, भी एग्जाम ओरिएंटेड इतनी बात है कि आपको ज्यादा कुछ
प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से इस लाइन से हमने इतने चार चीजें उठाई है। ये बंदा कहाँ का रहना था बेटा, कहाँ का रहने वाला था, इटालियन था, तो ये हो गया। तो तीन चीजें, इटली का बंदा था, दूसरा उसका नाम था लुका पैसिओली, तीसरा कब ये चीज आई थी, 10 नवंबर 1494। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग डेज जब अब तुमको देंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, वो क्या रहेगा, 10 नवंबर होने, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट टू एस्पेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, की हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के कितने एस्पेक्ट होते हैं, दो। इसलिए इसे कौन सा सिस्टम कहा जाता है, डबल एंट्री। अभी तुम अभी ना तुम सिर्फ समझो, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना तुमको ये समझेगा टू एस्पेक्ट मतलब क्या चीज थी। जो बच्चे थे उन्हें पता है, अभी उन्होंने थोड़ा ज्यादा कनेक्ट हो रहा होगा क्योंकि उन्हें पहले भी, जैसे शायद जो पहली बार अभी ये पढ़ रहा है ना उनको तो बस अब ये थ्योरेटिकल लग रहा है कि टू एस्पेक्ट मतलब लर्न कर लेंगे, लेकिन जिनका ये आगे चैप्टर हुआ, कुछ बच्चे थे उस लेक्चर में, तो उनको समझा कि हर ट्रांजेक्शन हम कौन से दो एस्पेक्ट ढूंढते हैं, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, ये सब देखने वाले। लेकिन फिलहाल तो इतना याद रखो कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के कितने एस्पेक्ट होते हैं, टू एस्पेक्ट। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व टू पर्सन और अकाउंट और पार्टीज, वेर वन इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट और दूसरा कौन होता है बेटा, गिवर ऑफ बेनिफिट। जैसे आपके केस में मैं जो हूं गिवर ऑफ बेनिफिट हूं और आप कौन हो, रिसीवर ऑफ बेनिफिट। तो हर ट्रांजेक्शन में कितने पार्टी होते हैं, दो। तो दो तो चीज रहेंगे, जिसको एक कहें इसको आप पार्टीज कहिए, या तो आप पर्सन कहिए, या तो आप अकाउंट्स के नाम से जानिए। अब ये क्या होता है, अकाउंट थोड़ी देर में आएगा आपको मैं बताऊंगा, लेकिन एक मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ये आपको समझाया जा रहा है। इस टर्म का ओरिजिन कहां पे हुआ था, कौन से व्यक्ति ने किया था, लुका डी मार्को पैसिओली, कौन से साल किया था, 10 नवंबर 1494। यहां तक आ रहा है और वो कह रहा है कि हर ट्रांजेक्शन के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, दो, और दो अकाउंट हर ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, एक तो दो व्यक्ति, दो पर्सन, दो अकाउंट, नहीं तो दो क्या पार्टी, जिसमें से एक कौन होता है रिसीवर ऑफ बेनिफिट और एक कौन होता है गिवर ऑफ बेनिफिट। If something comes into the business, something क्या बेटा goes out from the business। कुछ अगर आएगा तो कुछ जाएगा भी, ठीक है। अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो मेरी सर्विस क्या हो रही है, जा रही है। आपके पास से पैसा जा रहा है तो आपको सर्विस क्या मिल रही है, आ रही है करके। तो if something come into the business, something क्या बेटा कुछ तो जाएगा। Recording of two aspect of monetary transaction in the books of account in terms of debit and credit, it is called delta। इसे क्या कहेंगे, double entry system of bookkeeping। तो अगर वन वर्ड के लिए, फिलिंग द ब्लैंक से लिए अगर आएगा कि आप लोग रिकॉर्ड करते हो कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के कितने एस्पेक्ट्स, दो, तो उसे क्या कहा जाएगा बेटा, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। अब ये पैराग्राफ हमने खत्म कर दिया, इसका विषय यहाँ पे क्लोज हो गया। इस पैराग्राफ से कुछ चीजें अब हमें याद रखनी है ताकि एग्जाम में आए, बस यहाँ पे पढ़ के नहीं जाना है। हम लोगों ने क्या नया चैप्टर चालू किया, उसका नाम क्या बेटा, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ, क्या बेटा पढ़ गया था ना, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ व्हाट, डबल एंट्री बुक कीपिंग। अच्छा मीनिंग में हमने, अच्छा याद करो क्या क्या चीजें होगी, पहले तो क्या बताया, नाम बताया, किसका बताया, इटालियन मर्चेंट, कौन था वो, लुका डी मार्को पैसिओली, उन्होंने इस टर्म को फाइंड आउट किया, तो इसीलिए कौन से दिन कौन से डेट को क्या, 10 नवंबर 1494, इसीलिए इस दिन को क्या माना जाता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। क्यों डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, क्योंकि हर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, दो, हर ट्रांजेक्शन में तो दो पर्सन इन्वॉल्व रहेंगे, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, नहीं तो दो पार्टी इन्वॉल्व रहेंगे, दो ही चीज रहेंगे, एक जिसको कहते हैं हम लोग व्हाट, रिसीवर ऑफ बेनिफिट, और एक रहेगा गिवर ऑफ बेनिफिट। और एक पॉइंट था, अगर समथिंग बिजनेस में आएगा तो समथिंग जाएगा भी, समथिंग कम समथिंग गो, ऐसे वाली बात थी। और इसीलिए डेबिट और क्रेडिट जब एक, तो ये जो दो एस्पेक्ट होते हैं ना, तो एक एस्पेक्ट को हमको देते बेटा डेबिट और एक को क्या देते हैं क्रेडिट। अब ये कैसे जाता है डेबिट क्रेडिट, वो भी आप सीखो, क्योंकि ना इसके लिए रूल्स है, वो रूल्स जब दिमाग में जाएंगे, और ना ये सेकेंड टाइम सीखने वाले को और मजा आएगा, क्योंकि उनको ना पहले हो चुका है, जो पहली बार सीख रहे उनको थोड़ा ऐसे कहाँ पे दिक्कत आएगी मुझे पता है, क्योंकि तुमको यही प्रॉब्लम आएगा, सर डेबिट और क्रेडिट तो क्या है वो बताओ, और ये आएगा, तुम लोग डिसाइड करोगे, तुम ये समझ जाओगे थोड़े सेशंस बाद कि रूल्स पर्सनल रियल नॉमिनल क्या है, ट्रेडिशनल रूल बोलते हैं इसको, फिर डेबिट कैसे लगाना है, क्रेडिट कैसे देना है, तुमको आइडिया आ जाएगा, डोंट वरी। तो ठीक है, एनीवेज ये पैराग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन कंसर्न विद द असेट्स लायबिलिटी कैपिटल, अब ये उनको ही समझेगा जिनका अगेन मॉडर्न अप्रोच हुआ है। दो प्रकार होते हैं, एक तो मतलब मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने ना पढ़ चुके एक बार, और आपको मैं बता दूं तो आप पे फायदा होगा कि क्या आगे होने वाला है। आगे जाके इस चैप्टर में ना आपको दो अप्रोच से डेबिट क्रेडिट देना पड़ता है। एक अप्रोच क्या होता है बेटा, ट्रेडिशनल,
एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है और एक अप्रोच क्या होता है मॉडर्न, ठीक है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच से भी आपको डेबिट क्रेडिट देना है तो दे सकते हो, इनके कुछ रूल्स है। और एक कौन से अप्रोच से डेबिट क्रेडिट देना बेटा, मॉडर्न अप्रोच से। जब ट्रेडिशनल अप्रोच से डेबिट क्रेडिट देना होता है ना, तो आगे हम सीखेंगे क्या यूज करते हैं हम लोग, गोल्डन रूल्स। जो क्या दिया है पता है इन्होंने, पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल्स दिए हैं, ये सीखेंगे अभी, टेंशन मत लो। लेकिन मैं बता देता हूं, एक रियल अकाउंट करके इसके कुछ गोल्डन रूल्स है, एक नॉमिनल अकाउंट है इसके कुछ गोल्डन रूल्स है। तो ऐसे पहले हम इनके गोल्डन रूल्स सीखेंगे और इस मेथड से हमें एक तो डेबिट नहीं तो क्या देते आएगा बॉस, क्रेडिट, ठीक है। उसी प्रकार से एक मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच में हम क्या करते हैं ट्रांजेक्शन, अच्छा ये चीज बताओ, सेम ट्रांजेक्शन में दोनों रूल अप्लाई हो सकते हैं, सेम ट्रांजेक्शन में, या आप चाहो तो ट्रेडिशनल अप्रोच से जाओ फिर भी आंसर सेम आएगा, मॉडर्न अप्रोच से जाओ फिर भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसलिए आप पहले दिन से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, हम लोग इसको क्लासिफाई कर देते हैं एक तो असेट्स में, नहीं तो लाइबिलिटीज में, नहीं तो कैपिटल में, नहीं तो एक्सपेंस में, नहीं तो इनकम में। ये चार, इन पांच कैटेगरी में हम चीजों को, ट्रांजेक्शन में अकाउंट्स को डिवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग, नहीं बेटा बाद में लो, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, डेबिट नहीं तो क्या देंगे बॉस, क्रेडिट देंगे। बस ऐसे, मतलब ये आगे आने वाला है, मैं पहले ही बता दूं कि डेबिट और क्रेडिट देने का एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, एक क्या होता है मॉडर्न अप्रोच। तो मैं बताऊंगा असेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होते हैं, इनकम क्या, एक्सपेंस क्या, पूरा जीरो से बताऊंगा, लेकिन ये आगे आने वाला है। तो एक शब्द यहाँ पे छोटा सा आपके सामने आया था, क्या आया था कि अकॉर्डिंग टू विच अप्रोच बॉस, मॉडर्न। ये क्या होता है हम देखेंगे, हर ट्रांजेक्शन को किस चीज में देखा जाता है, असेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल एक्सपेंस इनकम, ठीक है, ऐसी बात है। और हम लोग ये देखेंगे, तुमको सारी चीजें लर्न होगी जैसे बाकी बच्चों की भी हुई है। वेन एवर देर इज इंक्रीज इन असेट, जब हमारे असेट बढ़ते हैं या एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, असेट्स एंड एक्सपेंस, तो उसे हम कौन सा बैलेंस देते हैं बेटा, डेबिट। एंड जब भी हमारे असेट डिक्रीज हो गए और एक्सपेंस डिक्रीज हो गए तो उसे क्या दिया जाता है, क्रेडिट। लेकिन ये तो सिर्फ पढ़ने के लिए था, यहाँ पे ना पहले बच्चों को समझा था ना तुम्हें समझेगा, हाँ बट तुम रेगुलर आओगे ना, जब तुम्हारा पूरा चैप्टर होगा फिर तुम ये लाइन समझेगे कि एक्चुअल क्या है। न्यू बच्चों को, पुरानों को अभी समझ में आना चाहिए कि क्या बोला है, न्यू स्टूडेंट को लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो अभी सिर्फ भावनाओं को समझो। इस पे प्योर जब ये मॉडर्न अप्रोच चालू होगा तो मैं बताऊंगा कि क्यों असेट इंक्रीज होने पे डेबिट देते हैं, क्यों एक्सपेंस होने पे डेबिट देंगे, ये सब बताऊंगा। अभी तो थ्योरेटिकल पार्ट है, आगे बढ़ते हैं सर। तो भाई और बहनों, ये रहा हमारा 2.1 खत्म हो गया। 2.1 में क्या था, एक आपको समरी दे देता हूं ताकि आप लोग एक एक पेज वाइज प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ो। सबसे पहले तो ये था 2.1 मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ व्हाट बेटा, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। हमको सब चीजें पता है, लुका दी बार्गो पैसिवली पता है, 10 नवंबर 1494 पता है, उसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे कहते हैं। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट करके, ठीक है बॉस, सही है। मॉडर्न अप्रोच से एसेट लाइबिलिटी में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ना रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दो तरीका है, एक इंडियन सिस्टम है और एक क्या बॉस, इंग्लिश। और इंग्लिश सिस्टम में अगेन दो पार्ट होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम की हर का एक ही इफेक्ट होता है हर ट्रांजेक्शन का, ये इनकम्प्लीट को रिकॉर्डिंग भी कहते हैं, और क्या बेटा, डबल एंट्री सिस्टम। हम इंडिया में क्या फॉलो करते होंगे, इंडियन सिस्टम की इंग्लिश सिस्टम। अब बोलो आपको लगेगा हम तो इंडियन है सर, इंडियन ही करते हो क्या, नहीं एक्चुअली ये देखा उन्होंने यहाँ पे बहुत बताया कि कैसे इनकम्प्लीट है, तो हम इंडिया में इंडियन नहीं फॉलो करते, हम इंग्लिश में भी क्या फॉलो करते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्यों, क्योंकि मोस्ट क्या है, साइंटिफिक मेथड है इसीलिए, ठीक है। तो ये पहला तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि सर ये तो ठीक है, आगे जाके ये नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है, तो हम सीखेंगे सब, लेकिन हमारा जो मेन, हम जो अकाउंटिंग के लिए यूज करेंगे, आप जो सीखने वाले हो वो एक ही चीज सीखने वाले हो, हम लोग क्या मेथड फॉलो करेंगे, डबल एंट्री बुक कीपिंग, और उसको आगे देखना है। उन्होंने बाकी सबकी बातें बताई है, जैसे कि इंडियन सिस्टम के कुछ पॉइंट्स में उन्होंने कहा है कि इंडियन सिस्टम में जो भी मेंटेन हो रहा था रिकॉर्ड्स, वो कौन सी लैंग्वेज में मेंटेन हो रहा था, इंडियन लैंग्वेजेस। और कितनी लैंग्वेजेस है भारत में, बहुत सारी है ना, जैसे कि एग्जांपल में मराठी, महाराष्ट्र, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी है ना, खानदेशी, आयरानी, पंजाबी, और कुछ भी ले लो, तो हाँ बराबर और कुछ तो ये जो था ना, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता, महाजनी देशी नामा सिस्टम। तो ये पहले लाइन पे रुकते हैं हम लोग, इंडियन सिस्टम मेंटेन रिकॉर्ड्स इन विच लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज।
तो तुम तुम्हारी लैंग्वेज वहां पे बोल देना, जो भी मराठी गुजराती हिंदी कन्नड़ जो भी है। और इसीलिए इस सिस्टम को क्या कहा जाता था, महाजनी देशिना। और इस सिस्टम में क्या होता था, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड और मेंटेन किए जाते थे इन लॉन्ग बुक, और जिस बुक में रिकॉर्ड किए जाते थे उस बुक का एक नाम था या तो बही खाता, बही खाता नहीं तो क्या किर्द, बही खाता नहीं तो क्या किर्द। ये समझा बॉस, अब ये समझा होगा और ये चीज लर्न करवा के होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बही खाता और किर्द, दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज व्हाट बेटा, नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एंड इसीलिए दिस इज नॉट साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम। इवन टूडे दिस सिस्टम यूज इन इंडिया फॉर क्या बेटा, स्मॉल, आज भी छोटे छोटे बिजनेस में ये सिस्टम यूज करते हैं। आप देखो किराने की दुकान पे जाओगे ना, वो अंकल क्या करेंगे भाई, उधारी का उनका बुक रहेगा तो मराठी में लिखेंगे कि अन्ना एवडे वस्तु दिले, यांच्याकडे एवढे पैसे यायचे बाकी आहे, कोई हिंदी में लिख रहा होगा कि इनको 10 रुपए का चीज दिया। तो ये जो बुक में अल्टीमेटली एक नोटबुक में वो ये व्यवहार लिख रहे तो बुक कीपिंग हो गया, ओके, लेकिन अपनी भाषा में लिख रहे तो कौन सा सिस्टम हो गया, इंडियन। और ये कौन फॉलो करेगा, जो स्मॉल बिजनेस है। लेकिन जो हम रिलायंस की बात करें, अडानी की बात करें, अंबानी की बात करें, क्या वो इंडियन सिस्टम फॉलो कर सकते हैं क्या? नहीं, उन्हें कौन सा सिस्टम फॉलो करना होगा, इंग्लिश। मतलब क्या बॉस, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। लेकिन जो पढ़ा है वो दिमाग में अब रखते, पढ़ने का काम हो गया है, अब बात करते हैं दिमाग में रखने की। तो हम लोग पहले तो चार्ट ड्रॉ करेंगे जो हमारा इमेज में आ जाना चाहिए। हम लोगों का चार्ट का मेन हेडर क्या था, एक क्या था बेटा, इंडियन सिस्टम, और एक क्या था, इंग्लिश। इंग्लिश के कितने पार्ट थे, दो, याद है, सिंगल एंट्री और एक क्या बेटा, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है बॉस। ये तो क्लियर है, हमने क्या पढ़ा, इंडियन सिस्टम। अब इसके कुछ पॉइंट हमें याद आने चाहिए, जैसे कि क्या क्या पॉइंट से बोलो, पहला कि ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है यहां पे कौन से लैंग्वेज में चीजें रिकॉर्ड होती थी, इंडियन लैंग्वेज, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, एक नाम था महाजनी, कौन सा देशी का भाई, उतना आधा मत बोलो, कोई गलत मीनिंग जाएगा, देशी क्या भाई, देशी नामा, देशी क्या, देशी, देशी नामा, महाजनी का बेटा, देशी नामा, देशी नामा पूरा बोलो, महाजनी देशी नामा, क्यों बॉस मेरे को बताओ यहाँ पे कि क्या सीन है बेटा, पूरा लैंग्वेज फटाफट बोलने का, महाजनी क्या, देशी नामा, है ना, देशी पे फुल स्टॉप नहीं, ओके, क्या था भाई बोलो, अभी ये लर्न हो जाना चाहिए, क्या था, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम जो है ना ये यूजुअली इंडियन लैंग्वेज में इंटर होता है, फिर आप एग्जांपल दोगे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अल्सो नोन एज क्या, अल्सो नोन एज क्या बेटा, महाजनी देशना। और इस सिस्टम में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो एक लॉन्ग बुक में रिकॉर्ड होते हैं, कौन सी बुक में बेटा, लॉन्ग बुक। और ये जो लॉन्ग बुक है इसको हम क्या कहते हैं, एक तो बही खाता और नहीं तो इसका और एक नाम क्या बोल सकते हैं, किर, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट मुझे बताना, क्या ये सिस्टम एक्चुअली बहुत ज्यादा साइंटिफिक है कि नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है, इसीलिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये सिस्टम का यूज होता नहीं है, ये तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन भारत में कहीं कहीं यूज हो रहा है, देखते चलो इसका क्या पॉइंट था, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन क्या बेटा, डबल एंट्री सिस्टम, एंड दस इट इज नॉट साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम, एंड इवन टूडे मतलब इसलिए यूज नहीं होता अब भारत के, लेकिन स्मॉल स्केल बिजनेस में इसे यूज किया जा रहा है। अब आपको सवाल क्या आएगा पता, थियरी ही चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर में प्रैक्टिकल आने वाला है आगे, लेकिन बच्चा तो स्मार्ट होशियार तब कहलाया जाता है जब उसको कंसेप्चुअली चीजें पता हो। आपको अगर पूछा जाए वाई एग्री और डिसएग्री इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, डिसएग्री, ठीक है, वाई डिसएग्री, अब तुमको दोनों ये लिखना है, दादा कुछ है तुम्हारे पास, यहाँ से चालू करो कि इसको देशनामा का आता है, इन दिस सिस्टम ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड मेंटेन क्या होता है, लॉन्ग बुक सिंगल एंट्री के हिसाब से वो एक ही इफेक्ट रिकॉर्ड होता है, इसलिए ये डबल एंट्री पे बेस नहीं है, और ये साइंटिफिक भी है क्या, नहीं, इसीलिए इसको बड़े ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं करते, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं। चलो अब मेरे को यहाँ पे आओ, और अब आपका कॉन्फिडेंस के साथ, इंडियन सिस्टम में अगर कुछ बातें आए तो ये डबल एंट्री को फॉलो करता है कि नहीं करता,
डबल एंट्री को फॉलो नहीं करता, और ये साइंटिफिक है कि नहीं है? साइंटिफिक भी नहीं है, और इसको अभी भारत में यूज तो कर रहे हैं कभी कभी, लेकिन कौन से ऑर्गेनाइजेशन? स्मॉल बिजनेस। बस इतनी चीज याद रहेगी तुम्हें इंडियन सिस्टम में, पक्का? ओके, डन हो गया। ओके, महाजनी ऋषिनामा कहते हैं, और जिस बुक में लॉन्ग बुक में होता है उसे क्या कहते हैं? बही खाता, नहीं तो किर, और डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता। ये क्या लिखा मैंने? साइंटिफिक नहीं है। हाँ भाई, लैंग्वेज समझ जाओ, साइंटिफिक नहीं है, और इसलिए स्मॉल बिजनेस होता है। अब हम देखेंगे सिंगल और क्या बेटा, डबल, और इसी के साथ हमारा सेशन आज का खत्म हो जाएगा, ठीक है? सिंगल एंट्री देखो और डबल एंट्री, ठीक है? ये कौन से सिस्टम के सब पार्ट है बॉस? इंग्लिश सिस्टम के दो सब पार्ट है। सिंगल एंट्री में क्या होता है? दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट। इट इज साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक? अनसाइंटिफिक मेथड, और इसीलिए क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि सिंगल एंट्री का में एक ही इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, तो एक ही इफेक्ट को करते हैं। इफेक्ट तो किसने होने चाहिए? दो, और दो करूंगा तो कंप्लीट होगा। अभी मैं एक ही कर रहा हूं तो कंप्लीट रहेगा कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। इसीलिए अगर तुम्हें पूछा ना क्या सिंगल एंट्री को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं, तो आंसर इज यस, सिंगल एंट्री को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। बिकॉज दिस चेंज विद द कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस फॉर क्या बेटा, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। जैसे जैसे बिजनेस बदलेगा वैसे वैसे कन्वीनियंस के हिसाब से ये भी चीज बदल सकती है करके। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड क्या बेटा, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द विच पोजिशन फाइनेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करता है, क्योंकि वो डबल नहीं, कितना इफेक्ट देता है? एक। तो हमें एक्चुअल रिजल्ट पता ही नहीं चलता, एक्चुअल फाइनेंशियल पोजिशन पता ही नहीं चलती, और इसीलिए बेटा ये कौन से बिजनेस के लिए सुटेबल है? स्मॉल, लार्ज बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं, ठीक है? 10 सेकंड लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए आप अपने साथ, फिर मैं रिवाइज भी करा के दूं। पढ़ लिया क्या बॉस? दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये कौन से अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट। ये साइंटिफिक है कि अनसाइंटिफिक बेटा? अनसाइंटिफिक है, और जैसे जैसे बिजनेस चेंज होगा वैसे वैसे कन्वीनियंस के हिसाब से वो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग भी चेंज होता है, और क्या था, ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता नहीं है करके। और आप डबल एंट्री एक बार रीड कीजिए, और उसी के साथ फिर ये लेक्चर डन करते हैं। आप रीड कीजिए, फिर मैं बता दूँ। चलो बेटा, एवरीबॉडी नाउ पे अटेंशन, लेक्चर एंड करना है हमें। डबल एंट्री सिस्टम ये कौन सा है बेटा? मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो अब यहाँ पे सवाल क्या आएगा, सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट साइंटिफिक मेथड। देखो सवाल सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन? ऑप्शन ए सिंगल एंट्री, ऑप्शन बी इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, डबल एंट्री सिस्टम। तो ये तुमने पढ़ा है, बस तुम वैसे याद करो कि यार हमारा एक बार पढ़ा है, तो ऐसे भी सवाल आए तो देना चाहिए आंसर, क्योंकि अब हमारा कंसेप्ट क्लियर है। मोस्ट साइंटिफिक मेथड किसे कहा जाएगा? डबल एंट्री। अंडर दिस सिस्टम डबल, या तो यू कैन से क्या बेटा, टू फॉल इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। वन अकाउंट इज, एक अकाउंट को कंपल्सरी हम लोग क्या देते हैं बेटा,
डेबिट एंड अनदर अकाउंट को क्या देते हैं हम लोग क्रेडिट, विच इज डिफरेंट अमाउंट और इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट। तो अगर एक ट्रांजेक्शन, जैसे ना मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मैंने अगर रेंट पे किया, ऐसे तुम्हें आएगा रेंट पेड रुपीज 3000। अब आप देखना, सिर्फ ऑब्जर्व करना, मैं आंसर नहीं करूंगा। आपके बीच में कुछ स्टूडेंट्स है, उन्होंने पहले ये चैप्टर पूरा कर लिया, इसीलिए शायद उन्हें आंसर आएगा, तुम्हें नहीं आ रहा है कुछ जो ऑनलाइन में भी देख रहा है, लेकिन ये लेवल तुम्हारा भी होगा बिकॉज तुम्हारे बीच के कुछ बच्चे वो आंसर देंगे। कौन देगा? एक दो, ठीक है पुष्कर बोलो बेटा, फिर बाद में आपको पूछता हूं कौन से दो अकाउंट से। एक पुष्कर का कहना है, दो ऑनलाइन वालों को आवाज दी जाती है इसलिए बताता हूँ, रेंट अकाउंट और दूसरा बेटा कैश अकाउंट। किसको डेबिट जाएगा और किसको क्रेडिट जाएगा पुष्कर? अच्छा ट्रेडिशनल मेथड से बताओ मुझे, रेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और कैश कौन सा अकाउंट? रियल। अच्छा नॉमिनल अकाउंट ये तुम सीखने वाले, आगे ही सिखाने वाला हूं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन लॉस। तो जब मैं रेंट पेड कर रहा हूं तो मेरा क्या हो रहा है? एक्सपेंस। अब तुम बाकी बच्चे तो कहीं सोचो ही मत कि तुम्हें कुछ समझे इसमें, नहीं समझेगा क्योंकि हम आगे जाके सीखने वाले जैसे इन बच्चों ने सीखा। तो इसने ये दिमाग लगाने के बाद बोला कि एक अकाउंट को डेबिट जाएगा रेंट को और कितने अमाउंट से? 3000 से। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब तुम रेंट पे करते हो तो तुम्हारे जेब से पैसा जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा है। तो गोज आउट अगर हो रहा है तो एक भी टेंशन दे, गोज आउट अगर है तो क्या जाएगा उसको? क्रेडिट। तो इसे और क्रेडिट भी कितने अमाउंट का जाएगा? 30। अभी ये तुम लोगों के बीच में जो बच्चे थे उन्होंने आंसर दिया कि इसको क्रेडिट जाएगा, तुम्हारा भी ये लेवल आएगा, बस 10-15 दिन की बात है, तुम लोग एक प्रो लेवल पे आ जाओगे, तुम्हें भी ये समझेगा। बट अभी क्या कहना है मेरा ये देखो, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम वन अकाउंट इज टू बी वॉट बेटा? डेबिटेड। एंड अनदर अकाउंट इज टू बी वॉट? क्रेडिटेड विथ अमाउंट इक्वल अमाउंट। तो अगर तुम्हें ट्रू और फॉल्स आ जाता है ना अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, वन अकाउंट डेबिटेड अनदर अकाउंट क्रेडिटेड विथ डिफरेंट अमाउंट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि डबल एंट्री में अमाउंट क्या होती है बेटा? सेम, दैट्स ऑल और खत्म बात। तो ये कुछ चीजें हैं डबल एंट्री की और हम देखेंगे एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग, हर डेबिट का उसके इक्वल अमाउंट का ही क्या होता है बॉस? क्रेडिट होता है। एंड सेम अमाउंट इज द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ क्या डबल एंट्री सिस्टम, और ये इंपॉर्टेंस वगैरह हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, दूसरे चैप्टर, थैंक यू सो मच। यस बेटा।